मेरे ख्याल में अमान, तुम्हें अब यहां नहीं रहना चाहिए। तुम दोनों को जो कुछ तुम्हारा थोड़ा बहुत सामान वो उठाओ और जाओ यहां से। आप लोग जहमत मत कीजिएगा, मैं हम खुद ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। बस थोड़ी सी यादें हैं वो समेट लें। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, ये भी नहीं रोकेगा। जाओ जाओ। डैडी, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बेटा, तुमने जो मुझे मरियम के बारे में बताया है उसके बाद तो बगैर सोए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मुझे तो मरियम की फिक्र हो रही है। जो सलूक फिरदौस ने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तो मैं और भी फिक्रमंद हो गया हूँ। पता नहीं वो मरियम को क्या कुछ कहती होगी, और ये मासूम बेचारी कैसे सह रही होगी सब कुछ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैडी, अभी उसकी शादी को टाइम ही कितना हुआ है और मरियम का अभी से उस घर में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं किस किस्म की खातून है वो। मैंने तो अल्लाह के भरोसे पे अपनी बेटी को रुखसत किया था, अब अगर मुश्किलें आई हैं तो वही अल्लाह मेरी बच्ची को सब्र और बर्दाश्त का हौसला भी देगा। डैडी, आप अमान भाई को क्यों नहीं कॉल करते? उन्हें भी तो जरा समझाएं किस तरह खामोश रहकर वो भी मरियम पर जुल्म कर रहे हैं। सोचा था मैंने भी, फिर मैंने कहा कि इस वक्त फोन करना मुनासिब नहीं है, सुबह मैं खुद जाऊंगा उनके घर। तुम जाओ बेटी, अब सो जा, थोड़ी देर में मैं भी सो जाऊं। ठीक है डैडी, पर सो जाइएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन, प्लीज इस घर को छोड़ के ना जाओ। रुक जा भाभी, प्लीज रोके ना। मत करो, कोई फायदा नहीं यार। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज मेरे खाते रुक जाए, प्लीज रुक जा। सलमान मत कर, देख मत, प्लीज अमान भाई रुक जाए ना, मैं कह रहा हूँ मैं बात करूंगा रामबी से। नहीं अमान भाई, अमान भाई मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, भाभी प्लीज रोक ले। अमान भाई मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सलमान, मम्मी आखिर अमान भाई ने ऐसा क्या किया जो आप उन्हें जाने का कह रही है? शराफी प्लीज रोक ले अमान भाई, आखिर कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? वापिस आओ। प्लीज नहीं रह सकता आपके बगैर, प्लीज भाई मुझे छोड़ के ना जा। सलमान, मैं तुम्हारा भाई था और हमेशा रहा। मैं आपको नहीं जानती, नहीं रह सकता आपके बगैर भाई। क्या चाहते? जिस तरह अनुषे इस घर में जलील हो रही है उसी तरह से तुम्हारी इन भाभी के साथ भी ये सब कुछ। समझो मौके की मुनासबत को, समझो इस बात को कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। सर नहीं ना, चलो सर।
ख्याल करना। चलिए मरियम, ख्याल करना। बस ये यहीं रोक दीजिए। बस 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 रोक दो। वो जहां भी जाए, जिसके घर में रहे, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। और रहा इस बात का ताल्लुक, जो आज जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, वो तुम्हारे डैडी की वसीयत की वजह से हुआ है। उन्होंने वसीयत में साफ साफ लिखा है कि सारी जायदाद मेरे नाम। और जब मरियम को पता चला कि जायदाद मेरे नाम है, तो जाहिर ही बात है उसको ये ख्याल हुआ कि अब कुछ मेरे हाथ तो लगेगा नहीं, लिहाजा वो अमान को लेकर चली गई यहां से। सीधी सी बात है, समझ में क्यों नहीं आ रही तुम लोगों को? और यही नहीं सलमान, ये जो सगे सौतेले की आग है ये भी उसी की तरफ से लगाई गई, वरना हमने तो आज तक कमान को बड़े भाई की तरह ही इज्जत दी है। क्यों नहीं है? मुझे यकीन आप तुम लोग की किसी भी बात नहीं है। मुझे यकीन आप लोग चाहे मुझे छोटा समझे, लेकिन इतना बड़ा जरूर हो चुका हूं कि अच्छाई और बुराई में फर्क समझ सकूं मैं। ठीक कह रहे हो, अमान भाई और मरियम को इतना मजबूर किया गया है कि वो लोग ये घर छोड़ के ही चले जाएं। जिनसे सब कुछ छीन लिया जाता है वो मजलूम होते हैं, जालिम नहीं। अनुषा बीवी, ऐसा लग रहा है कि जबान आपकी कुछ ज्यादा तेज चल रही है ना? काबू में रखो अपनी जबान को, समझे? शिराज, तुमसे मैंने हजार बार कहा है कि अपना मुंह बंद रखा करो, लेकिन तुम्हारी समझ में तो जैसे कुछ आता ही नहीं है ना। अभी तुम्हारा इलाज करता हूं। क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मुझ पर हाथ उठाएंगे, मैं इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? बकवास बंद करो बेचारे, देखता हूं मैं तुम्हारा भी हुलिया दुरुस्त करता हूं। और इस लड़की ने नाक में दम कर दिया। बेटा प्लीज आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें इन चीजों में, तुम अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दो और बस भूल जाओ ये सब कुछ प्लीज। तो भाई अल्लाह, मेरी किस्मत में यही लड़कियां लिखी थी। ये अम्मी का घर है, उनके इंतकाल के बाद जब अब्बू का बिजनेस बहुत बढ़ गया था तो हम लोग डीएचए मूव कर गए थे। सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हम आबाद करेंगे इस घर को। ये घर तो काफी साफ और वेल मेंटेन्ड है। जो चीज मुझे जान से प्यारी होती है मैं उस पर गर्द नहीं पड़ने देता, इसीलिए हर हफ्ते इस घर की मेंटेनेंस, सफाई करवाना मेरी ड्यूटीज में से एक ड्यूटी थी। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा, यहाँ पे घर बहुत पुराना है, सो एसीज नहीं है यहाँ पे, जनरेटर नहीं है, फ्रिज वगैरह भी नहीं है, सो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मां, मेरा घर आपके दिल में है, आप जहां रखेंगे मैं रह लूंगी। बेडरूम आइए। और ये बेडरूम। घर तो बहुत ही प्यारा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई नया सफर शुरू हो रहा है। शर्मिंदा हूं मैं आपके साथ, जब हमारी शादी हुई होगी तब आपने ना जाने क्या कुछ सोचा होगा, क्या ख्वाब सजाए होंगे और कहां ला के बिठा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है अमान, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, आपने जिन अपनों पर यकीन किया उन्होंने आप पर यकीन तोड़ दिया। आज आंटी ने हमें घर छोड़ते वक्त एक दफा भी नहीं रोका, जैसे वो कब से इंतजार कर रही हूँ हमारे घर छोड़ने। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर, आपने आपने बिल्कुल मेरी बात नहीं। मान भी लेता तो क्या कर लेता मुझे।
वैसे भी भरोसा किया था उन लोगों को, टूट गया भरोसा भी और मैं भी। प्लीज ऐसे ना कहें, और वैसे भी आप उन पे केस कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर अपने हक के लिए लड़ाई करें। उन्होंने जो किया वो उनका जर्फ था, और मरियम मुझे उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अमान कुछ तो चाहिए ही होगा ना, अब जब आपका बिजनेस भी नहीं रहा। लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करूंगा बिजनेस। यू नो व्हाट, अबू ने भी इसी घर से स्टार्ट किया था बिजनेस का, शायद मेरी किस्मत में यही चाहती है। अब मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। इंशाल्लाह। और आप देखिए, खूब मेहनत करूंगा, अंथक आपकी हर ख्वाहिश हर हक को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, ये वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। मुझे आप पर और आपके वादों पर पूरा यकीन है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। शिराज के अच्छी तरह समझा दी मैंने अनुषे को, अम्मी बहुत जबान चलने लगी थी उसकी, जब तक उसे दो हाथ नहीं पड़ते ना चैन नहीं आता उसे। बेटा अब तो कोई टेंशन ही नहीं रही अम्मी, फिर क्या सोच रही हैं? नहीं बेटा, चले तो गए हैं वो लोग घर से, लेकिन सलमान और अनुषा के दिमाग से नहीं निकले हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, इन दोनों के दिमाग से उन लोगों को निकालना होगा बेटा, नहीं तो गड़बड़ है बहुत। अनुषा की तो खैर आप फिक्र ना करें, उसे तो मैं लकड़ी की तरह सीधा कर दूंगा, बस आप सलमान का कुछ करें, एक वही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इतना इम्प्रेस्ड है वो अमान की पर्सनैलिटी से कि उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। ये बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, कितने दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा, कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि उसको इस निकाल दूँ उसके दिमाग से, ये सब कुछ अमान उसके दिमाग से नहीं निकलता। बहरहाल खैर, कोशिश करती रहूँगी, एटलीस्ट वो लोग तो घर से चले गए ना, एक दिन होगा इनके दिमागों से भी निकालना होगा। चलो, तुमने खामखा अपने आप को चोट लगाई, चलो चलिए ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं, ऐसे ना किया करो भाई, चलो। मरियम, 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 आप अमार, ये देखिए कितना क्यूट है, मुझे लगता है हमारे घर के पास किसी ने कबूतर पाले हुए, शायद वहीं से उड़कर आया है, कितना मासूम है ये। हाँ बहुत मासूम। कहते हैं परिंदों को कैद नहीं रखना चाहिए, मैं भी इसे उड़ा कर आती हूँ।
अमान मरियम को लेकर कहाँ गया होगा? प्लीज कहीं भी जाए कहीं रहे, हमें क्या लेना देना है, तुम इंजॉय करो अपना ब्रेकफास्ट और क्या। मुझे लगता है कि मरियम उसे अपने घर लेकर गई। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अमान माँ कभी नहीं गया। अरे मेरा बच्चा आया। आ बेटा, नाश्ता ठंडा हो गया। देखो मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे तुम्हारे फेवरेट सैंडविच बनवाए। लेकिन मेरे फेवरेट लोग अब यहाँ नहीं रहे तो क्या फायदा इसका? टोस्ट तो भी मुझे। और बेटा तुम ये भूल जाओ ये सारी बातें, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो बिजनेस पे, समझ आई? You are right, अम्मी, आप सही कह रही हैं। हमारा क्या कंसर्न? Exactly. तुम क्यों बैठी हुई हो नाश्ता सामने रख के? भूख नहीं है? जाओ अपने कमरे में या खाओ नाश्ता करो। हाँ सलमान बोलो। Thank God भाई कि आपने फोन उठा लिया। मैं आपको कल रात से फोन कर रहा हूँ, आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। खो गया था असल में फोन, इस वजह से। भाई आप लोग इस वक्त कहाँ हैं? मुझे मुझे आप लोगों से मिलना है। वो सलमान, हम जहाँ भी हैं ना खैरियत से, तुम परेशान मत हो, ठीक है? आप लोग जब तक इस घर में थे तब तक कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत परेशानी हो रही। आप प्लीज मुझे बता दें, मुझे आपसे मिलना है भाई। जिद मत करो सलमान, मैं और तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी जगह पर हैं। यूं समझो कि हम हनीमून पे गए हैं। भाई मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ, प्लीज मुझे बता दे, मुझे आपसे मिलना है। अच्छा सुनो, मेरा मोबाइल सही तरह से चार्ज नहीं है, बंद हो जाएगा, मैं बाद में करता हूँ तुम्हें फोन, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो अमान भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम जी, कहिए कैसे आना हुआ? वो बस ऐसे ही बहन जी, सोचा रास्ते में एक नजर मरियम को देख लूं। अच्छा किया, लेकिन आपकी मरियम से बात नहीं हुई, मेरा मतलब है फोन पर। फोन पे? नहीं, फोन पे तो आप जानती हैं कि ठीक से बात नहीं हो पाती, इसीलिए तो मैं चला आया कि अपनी आंखों से देखता जाऊं। वो नहीं अंकल। अच्छा तो कब तक आएगी? मैं इंतजार कर लेता हूं। आप जानबूझकर बन रहे हैं या वाकई आपको पता नहीं है कुछ? क्या मतलब? मरियम मेरे बेटे अमान को वरगला कर इस घर से रफू चक्कर हो गई, समझ आई आपको मेरी बात? देखिए मैं सीधी बात करने के कायल हूं, आपकी बेटी मरियम ने मेरे बेटे अमान के दिमाग में खबर नहीं क्या कुछ भर दिया कि उसको रात को ही वो लेकर चली, और कल रात को जो उसने हंगामा किया है आपकी बेटी ने, दो भाइयों को आपस में प्रॉपर्टी को बंटवारे के लिए उसने लड़वा दिया, मेरे साथ उसने बदतमीजी की, क्या बताऊं क्या क्या किया, हद कर दी उसने, इस घर को बदनाम करने की और जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। मेरी बेटी कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। शादी के पहले दिन से वो ऐसी हरकतें कर रही है। वो तो मैं थी जो पर्दा डालती है कि घर की बात घर में रहे, लेकिन नहीं, उसने ये सब कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसने हमारी इज्जत का ख्याल तक नहीं किया, बहला फुसलाकर अमान को लेकर वो चली गई। मैं
तो समझी थी कि वो अपने घर लेके गई होगी, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि आप अनजान हैं, आपको कुछ पता नहीं। सांप भी अपने बिल में सीधा चलता है। आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब समझ रहा हूं मैं। इब्राहिम के जाने के बाद प्रॉपर्टी हथियाने के लिए आप ऐसी चाल चलेंगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। आखिर आपने सतेलापन जता ही दिया अमान के साथ। देखिए जमाल साहब, सोच समझ कर बोलिएगा जरा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये समझ बैठूं कि इस चाल में आप भी शरीक हैं। आप जैसी ज़हनियत की औरत और सोच भी क्या सकती है। अफसोस होता है मुझे कि मैंने आप पे भरोसा किया, और उससे भी ज्यादा गिला मुझे उस शख्स से है जिसकी अमान में मैंने अपनी बेटी दी थी। तू जाइए, जाइए ना अमान के पास ही जाइए ना, उससे बात कीजिए। यहाँ क्या करने आए? सही कहा है किसी ने कि टेढ़ी म्यान जो होती है उसके अंदर से तलवार भी टेढ़ी ही निकलती। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये घर अब आपकी बेटी का घर नहीं, आइंदा यहां आने की जहमत मत कीजिएगा, समझ आई आपको? रहमत, रहमत, बस खुद चला जाऊंगा मैं। मरियम, मरियम नाश्ता आगे आइए। कहाँ रह गए थे, कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों ऑफ है? वो शायद बैटरी उसकी डेड हो गई है, चार्ज ही नहीं किया। ये आपके लिए हलवा पूरी। हलवा पूरी? हाँ, यहाँ इतना पास मिलती है, मुझे पता ही नहीं था। कितना पास? ये सड़क है ना अपनी मेन, उससे जरा सा आगे ही शॉप है वहां पे। आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि आप कितना पैदल चले हैं। नहीं, आदतें बुरी पड़ी हुई थी, किधर मुंह से बात निकलती थी उधर ख्वाहिशात पूरी हो जाती थी। लेकिन कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी चीजों की, आई विल मैनेज। आप ही ने कहा था ना आपको हलवा पूरी बहुत पसंद है। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूप में चलकर हलवा पूरी लेकर आए अमान। मरियम आप नाराज क्यों हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या नाश्ता करेंगी। सो मैं पापा से आज ही बात करूंगी, उनसे कहती हूँ मेरी गाड़ी यहाँ भिजवा दें। वैसे भी मेरी गाड़ी घर पे कौन यूज करता है, कहूंगी साथ एक सर्वेंट भी भेज दें। नहीं मरियम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अमान प्लीज, आपकी हालत नहीं देखी जाती मुझसे। नहीं आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, ना आप गाड़ी मंगवाएंगी और ना ही किसी और को मदद के लिए। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसे कैसे चलेगा तब तक, मैं नहीं देख सकती आपको इस तरह। मरियम अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन कीजिए मुझ पर। नाश्ता कर लें, ये ठंडी हो जाएगी ना पूरी, यहाँ तो फिर चबाई नहीं जाती हैं। पापा का फोन? हाँ हाँ। हेलो, अरे मरियम ये तो रख लें। सर इस वक्त हमारे पास 450 क्लाइंट्स हैं जिनको हम एंड टू एंड सर्विसेज देते रहते हैं, यानी फिश, प्राउन्स, लॉबस्टर, सी से लेकर रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास इस वक्त 5 यूरोपियन कंपनीज मौजूद हैं जो हमारे प्राइम क्लाइंट्स हैं, और साल में एक बार इनके पास जाकर मिलना बहुत ज़रूरी होता है।
ये डील्स अप्रूव नहीं है। लेकिन सर अमान सर ने कमान रिजवान स्टॉप इट। अमान ने ये किया, अमान ने वो किया। पिछले आधे घंटे से तुम्हारी अमान की कहानी खत्म नहीं हो रही है। मुझे टू द पॉइंट रिपोर्ट चाहिए। इस साल अब तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मेरी कंपनी ने हासिल किए मुझे उनकी पूरी पूरी डिटेल्स चाहिए। सर वो तमाम रिपोर्ट हम वीकली मेंटेन करते हैं और उसका रिकॉर्ड अमान सर की शेल्फ में मौजूद है। रिजवान एक बात अपने जहन में बिठा पाऊं, इस कंपनी का ओनर अब मैं हूं और यहां जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो मेरी होंगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग अमान को भूल जाओ। मुझे अपनी कंपनी को अमान से बहुत आगे लेकर जाना है। इतनी मेहनत करनी है कि मेरी कंपनी बिजनेस कम्युनिटी में एक मिसाल बन जाए। हम आपके साथ हैं। गुड फॉर यू रिजवान। मुझे तुमसे यही जवाब सुनना था। तुम लोग जाओ और एक घंटे में मुझे पूरा रिकॉर्ड निकाल कर दो। हाय सुहेदार, तुम सुबह से मेरे रूम में नहीं आए, क्यों? इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे घर पे चला गया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। पापा सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपको आज कॉल करने ही वाली थी। नहीं अंकल, गलती मेरी, मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन क्या करता, हालात ऐसे हो गए थे कि। और ये मान, मैं तुम्हें इंतहाई जिम्मेदार और अकलमंद इंसान समझता था, लेकिन तुमने तो अपने आप को बिल्कुल उलट साबित कर दिया। पापा प्लीज। जब मरियम तुम्हें बता चुकी थी कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है घर में और इब्राहिम की वसीयत से सब कुछ क्लियर हो गया था, तो फिर तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अपने साथ साथ मेरी बेटी को भी जुल्म सहने पे मजबूर करते रहे तुम। पापा। मरियम, तुम कुछ नहीं बोलूंगी। देखो बेटा, अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही है ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं। तुम मेरे दोस्त के बेटे हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ कोई जुल्म करता रहे और तुम खामोश रहो। मैं खामोश नहीं था अंकल, बस अपनी फैमिली को मौका दे रहा था कि वो मेरी प्यार की जबान समझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी बेटी पे कोई जुल्म होने दिया या अपनी कोई जिम्मेदारी ना निभाई। अमान, जिम्मेदारी तो मुझ पर भी है तुम दोनों की। मेरी बेटी के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी अभी। मेरी बेटी को इतना कुछ सहना पड़ गया। पापा प्लीज, मुझे कुछ नहीं सहना पड़ा। आप परेशान ना हो पापा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बेटा, सब कुछ छिन गया अमान से कहां आ गए तुम, और तुम कहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल, अगर आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रख सकता। इनका नाम अब मेरे नाम से जुड़ा है। मुझे अपने और अपने खानदान के नाम की लाज रखनी अच्छी तरह से आती। अच्छा, अब इस बात को यहीं खत्म करें। पापा, आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी हर तरह की सिचुएशन से डील कर सकती है, तो फिर आप अमान को एक चांस तो दें, एक बार तो इनकी बात का यकीन करके देखें प्लीज। चलो ठीक है, तुम ऐसा चाहती हो तो मैं कर लेता हूँ यकीन। थैंक यू पापा। लेकिन मेरी एक शर्त है बेटा, आज से तुम दोनों मेरे घर में रहोगे और अमान मेरा बिजनेस संभालेंगे। आखिर ये सब कुछ मरियम के साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने आपसे कहा था कि उस घर में रिश्ता ना करें, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी।
फिर बॉस आंटी ने तो पहले जता दिया था कि वो मरियम को रुकने नहीं देंगी वहां पे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने कहा था। बेटी, मैंने तो इब्राहिम की दोस्ती पे भरोसा करके ये रिश्ता किया था। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि इब्राहिम के जाने के बाद उसकी फैमिली अमान के साथ ऐसा सुलूक करेगी तो मैं तो ये रिश्ता ही ना करता। मुझे तो सर में दर्द हो गया सब कुछ सोच सोच के। लेकिन मुझे मरियम पे भी गुस्सा आ रहा है। पूरी दुनिया में उसे अमान भाई मिले थे पसंद करने के लिए, कहाँ है वो लोग अब? वो अमान उसे ले गया अपनी मरहूमा अम्मी के घर। दो कमरों का छोटा सा मकान है। मुझे तो मरियम को वहां देख के रोना आ रहा था। उनको यहाँ आना चाहिए था ना, वो लोग यहाँ क्यों नहीं आए? अमान की खुददारी उसका रास्ता रोक रही है, ना सिर्फ हमारे घर में रहने से बल्कि मेरा बिजनेस ज्वाइन करने से भी इनकार कर दिया उसने। अमान भाई खुद को समझते क्या है आखिर? क्यों वो अपने साथ साथ मरियम के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? डैडी, मैं बस अभी मरियम को कॉल करती हूँ और उसे बोलती हूँ वो यहाँ आ जाए। कैसे आएगी, गाड़ी तो है नहीं उसके पास। थोड़ा इंतजार करो, मरियम ने कहा था कि वो अमान से बात करके हमें फोन करेगी। हो सकता है अमान उसकी बात मान जाए। नहीं सर, मैं अब शाह कंपनी के साथ नहीं हूँ, मैं अपना सेपरेट कर रहा हूँ बिजनेस। जी इसी सिलसिले में फ़ोन किया आपको। जी सर। नहीं सर, अगर आप मौका देंगे तो आई नो हालात कुछ भी करवा लेते हैं आपसे। हाँ, थैंक यू सो मच। देखें, बस एक मीटिंग का मौका दें देन। अरे नहीं, ये तो आपकी मेहरबानी है। थैंक यू। जी बिल्कुल सही हो गया सर। थैंक यू सो मच। बाय। अमान जी, पापा की बात मान लेंगे तो आसानी हो जाएगी ना? मरियम, मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसमें आसानी हो। देखिए, मैं आज अगर आपके पापा की बात मान जाऊंगा ना तो कल फिर मोहताज हो जाऊंगा। तो इसमें क्या बुराई है? आपने अपने अबू का बिजनेस भी तो संभाला था, एक दफा और सोच लें। ऐसी बात नहीं है, मैंने अबू के बिजनेस में बहुत मेहनत करके अपनी जगह बनाई थी और अबू ने हमेशा मुझे एक ही बात समझाई, सिखाई कि जो रातों रात मिलने वाली दौलत और ताकत होती है ना, सुबह होते खत्म हो जाती है। पापा ने मुझसे कहा था कि उन्हें फोन करके आपका जवाब बताऊं, अब पापा से क्या कहूं? आप जवाब समझ जाएं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे जाना है, ज़रा सी जल्दी है और शायद आते आते थोड़ी देर भी हो जाए। खाना मत पकाइएगा, मैं बाहर से लेता हूँ। कुछ और चाहिए आपको? मतलब वाकई आप इतना सैड फेस बनाएंगी मेरे जाते हुए? पहला दिन है आज काम का, ऐसे तो कोई काम नहीं होगा। ये हुई ना बात। थैंक यू, मैं जाऊं। खुदा हाफिज़। ख्याल रखिएगा, जल्दी आएगा। हाँ, खुदा हाफिज़।
हेलो ज़हनसी, रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।